इनके लब रंगी मिठावर के जिसने उल्टे दुपट्टे के बारे में वीडियो बनाई थी। हाँ बनाई थी उल्टे दुपट्टे के बारे में वीडियो कि उसके अंदर अगर ऐसा दुपट्टा है कि जो वाकई में उल्टा महसूस हो जिसमें फ़र्क मालूम चलता हो, तो उसमें मैंने कहा था नमाज़ मकरूह पे। सवाल ये है कि नमाज़ मकरूह तहरीमी है या मकरूह तंजीह है, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। तो असल में जैसे दुपट्टे की मैंने वो पूरी एक्सप्लेनेशन की थी कि उसमें नमाज़ मकरूह उसी सूरत में होगी चाहे वो तहरीमी हो या तंजीह हो, लेकिन उसी सूरत में होगी कि जहाँ दुपट्टे में फ़र्क बिल्कुल वाजे हो, यानी ओढ़ने वाली ने दुपट्टा जब ओढ़ा तो उसे कोई दूर से भी देख के पहचान ले कि इसका लिबास ये उल्टा है। तो बाद दुपट्टों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, जो दुपट्टे होते हैं इसके अंदर अक्सर में ऐसा होता है कि इसको उल्टा और सीधा कहीं से भी पहना जा सकता है। तो अव्वलन तो उसके अंदर नमाज़ मकरूह है ही नहीं, अगरचे किसी ने धोखे में शॉल जो है ना यह दुपट्टा इस तरह बांधा कि वो उल्टा था बाद में ध्यान आया, लेकिन देखने से कोई उसमें ख़ास फ़र्क मालूम नहीं चलता। ये अक्सर उसमें पता चलता है जिसमें कोई नग वगैरह का काम हुआ हुआ होता है ना, कि जब वो उल्टा पहनते हैं तो उसमें ज़ाहिर होता है कि ये उल्टा है। और अगर कोई सादे दुपट्टे जो नमाज़ में यूज़ होते हैं, शॉल चादर वगैरह, उन सबका उल्टे सीधे में कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं चलता, तो उसमें नमाज़ किसी किस्म की मकरूह नहीं है। और बाकी जो मैंने मकरूह कहा था कि अगर दुपट्टा उल्टा हो और फ़र्क भी मालूम चले, या मिसाल के तौर पर लिबास ले लें कि किसी ने कोई कपड़ा उल्टा पहन लिया यानी इतना फ़र्क उसमें मालूम नहीं चल रहा था और धोखे में वो बंदा उल्टा पहन लिया, अंधेरे में किसी ने उल्टा पहन लिया फजर के वक्त में, और बाद में नमाज़ पढ़ने का मालूम चला कि ये चीज़ उसने उल्टी पहनी हुई है, तो उस सूरत में उसकी नमाज़ मकरूह होती है और ये भी मकरूह तंजीही होती है। तो इसमें क्या है कि बंदा बाद में नमाज़ लौटाना चाहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो दुपट्टे में या उल्टे लिबास में नमाज़ जो है ना वो मकरूह तंजीही है, यानी ये कि नमाज़ को इसको दोहराना वाजिब नहीं, लेकिन अगर फिर पढ़ना चाहे लिबास सीधा करके तो पढ़ सकता है। हसन लाले पुरनवार।